इज्जत दो, औरत को इज्जत दो, पढ़ने लिखने की आजादी दो। इसका पर्पस ये है कि समटाइम्स जो इवन दो वेमेन हैव द सेम प्लेस इन पाकिस्तान, उन वो भी सोसाइटी में उतना ही निकलती हैं, बट उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस, उनको वो सोसाइटी में ड्यू प्लेस नहीं दी जाती जो मर्दों को दी जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमसे हमारे राइट्स लिए जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट, ये एक क्लास इशू नहीं है, ये हर क्लास के अंदर ये चीज़ प्रेवलेंट है कि औरतों के ऊपर जुल्म जबर किया जाता है। अभी भी इन पाकिस्तान फेमिनिज्म के वर्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है, पीपल आर नॉट अलाउड कि वो और अपने घर की बेटियों को वो नहीं आने देते, और फिर खुद इस वर्ड से को के साथ आइडेंटिफाई करने से घबराती हैं, विच इज़ रॉन्ग। हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमें साथ मिलके मर्दों और औरतों को साथ लेकर चलना है, और इसी तरह से इस मूवमेंट को ट्रैक्शन मिलेगा इन पाकिस्तान। ये मुझे लगने की बात नहीं है, ये ऐसा होता है, और क्योंकि जेंडर की भी इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इट्स नॉट लाइक मेरे लगने की बात नहीं, ऐसा होता है। घर से निकलने के ऊपर पाबंदी होती है, छोटे छोटे कामों के ऊपर करने पर पाबंदी होती है, एजुकेशन परसू करने पर पाबंदी होती है, जॉब्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हर चीज के ऊपर पाबंदी है। दरिंदों से आजादी, अरे तुम क्या चाहो आजादी, अरे हम क्या चाहे आजादी, जोर से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, मिलकर बोलो आजादी। जी उनको डिस्काइज किया जा रहा है उनकी एजुकेशन से, वो घर पे रोक ली जाती हैं, वो पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं जा सकती, वो कुछ करने के लिए बाहर नहीं जा सकती, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं उनकी आवाज बनकर कि हम उनके लिए आवाज उठाएं ताकि वो स्कूल जा सके, वो पढ़ लिख सके, अपने लिए कुछ कर सके। पढ़ने लिखने की आजादी दो, औरतों का आजादी दे, औरत को इज्जत दो, औरत को इज्जत दो, सोचने की आजादी दो, पढ़ने लिखने की आजादी दो, औरतों का आजादी दे, जिंदाबाद।